गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वजन भाग एक के अंतर्गत पार्ट चार चांद से थोड़ी सी गप्पे के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। देखिए, नज़र, नज़र शब्द का अर्थ होता है दिखाई देना। जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा। सिर्फ, सिर्फ का अर्थ होता है केवल। सिक्त, सिक्त का अर्थ होता है दिशा। गोकी, गोकी का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। निरा, निरा का अर्थ होता है बिल्कुल। मरज, मरज का अर्थ होता है बीमारी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। कि अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर का है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? उत्तर देखें। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है, जिस पर सितारे जड़े हैं, अतः चांद तारों। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। अब यहाँ पे हमें तीन दिन दिए हुए हैं, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो सबसे पहले हम पूर्णिमा के दिन लिखेंगे कि चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। तो इसका सही आंसर होगा कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। क्योंकि ये देखिए, इस कविता में यहाँ पर गोल हैं खूब, मगर आप तिरछे नज़र आते हैं, जरा तिरछे नज़र आते हैं। अर्थात इसका कारण यही है कि पूर्णिमा से पहले चांद तिरछा नज़र आता है। तो ये कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। इसके बाद ये वाला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। तो बच्चों, आपको इन प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना है और इन्हें याद करना है।